फैसले को लेकर जहां एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने अधिकारियों की बैठक देकर दिशा निर्देश दिए, वहीं बुधवार रात को चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में चंदन नगर थाना प्रभारी द्वारकापुरी थाना प्रभारी, अन्नपूर्णा थाना प्रभारी, राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए और चंदन नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। चंदन नगर क्षेत्र का सेंसिटिव क्षेत्रों में से एक है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकालेगी। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर पुलिस की है। वहीं क्षेत्र के कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिन पर पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगी। सर, अयोध्या फैसले को लेकर किस तरह से आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है? देखिए, जो शांति व्यवस्था पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, तो इसलिए अभी जो हमारे अनुभाग अन्नपूर्णा के सभी जो थाना प्रभारी हैं, CSP साहब हैं, पूरा जो बल है वो बलवा ड्रिल में संवेदनशील क्षेत्रों से निकल के और वहाँ से अपना फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फोर्स को क्षेत्र की बारीक जानकारी हो, जनता में ये विश्वास हो कि किसी भी परिस्थिति में कारगर और कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें हम जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ पे पूर्व में सांप्रदायिक और इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनको वहाँ पे रुक के उस क्षेत्र का पूरा मुआयना करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ और जो स्ट्रक्चरल आवश्यकताएं हैं और जो हमारे टारगेट एरिया है, जहाँ पे हमें शंका रहती है, उनमें और अधिक और प्रॉपर बल लगाए जा करके और कारगर कार्रवाई की जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, जैसा कि चंदन नगर काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, कई घनी बस्ती है, इसके बाद हर विवादित मामले में यहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता, तो इस क्षेत्र को किस तरह से देखा जाएगा आने वाले समय में? देखिए, यहाँ अभी कई वर्षों से काफ़ी अच्छी पुलिस व्यवस्था रही है, शांति रही है, कभी कोई ऐसी बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं मिली हुई है। और जनता का और यहाँ के जो प्रबुद्ध जन है, नगर रक्षा समिति का, सबका बहुत सहयोग है। इस कारण ही कोई ऐसी सांप्रदायिक स्थिति विगत कुछ वर्षों से नहीं बनी है। इसलिए आवश्यक है कि उसी परंपरा को हम आगे कायम रखें और जो सौहार्द का माहौल है वो ना बिगड़े। किंतु पुलिस किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले रही है, हम उसको उतने ही जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पे ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। SSP रुचि वर्धन मैडम, SP अवधेश गोस्वामी साहब ने आदेशित किया है कि फोर्स को अपनी ज़मीन से, अपनी जो रूट है, संवेदनशील क्षेत्र हैं, कौन ऐसे बदमाश हैं, उनके सबके ठिकाने, सब ऐसे मार्ग बारीकी से जानकारी हो, इसलिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ एक कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की भी मुहिम जारी है, जिसमें हर वो व्यक्ति जिससे हमको शंका है कि वो कोई घटना कर सकता है, उसके ऊपर कठोरतम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।